वेरी वार्म गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माई लवली लवली किड्स. कैसे हैं आप लोग सब? आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल. मनोज, यूनिकॉर्न, आयुष, आयुषी, एवरीबडी, आई होप सबके सब, मेरे बच्चे चुन्नू मुन्नू द बेस्ट गैंगस्टर्स ऑन अर्थ, सब ठीक है? यस सो, तो कर दो फिर यस मैम. एवरीबडी, एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल? एवरीबडी 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 राइट ऑन माई स्क्रीन, परफेक्ट. यो यस मैम, कर दे फिर लेक्चर स्टार्ट. कैसे हैं मेरे बच्चे? लाइव चैट देख लेते हैं. सारे बच्चे एकदम बढ़िया है. आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना मेंटी क्विज से स्टार्ट किया जाए, कल की क्लास का मेंटी. क्या कहते हो? आज तो मैं कल की क्लास की मेंटी से स्टार्ट करना चाह रही हूँ. डन. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यो एवरीबॉडी. फिर मैं उसके बाद आर्थ्रोपोडा पढ़ाऊंगी. चलो आ जाओ, पहले गुड द इवनिंग हो जाए. हो गया है, आ जाओ. तो ऐसे एक विंडो खोल लो, इस पर डाल दो menti.com. दिख गया? menti.com, ठीक है? और मेंटी जी का कोड है आपका, मेंटी जी को प्रेजेंट कर दिया जाए, 2558 9794. तो क्या कोड है जी आपका? 2558 9774. यही था, 2558 9794 है जी, 9794. पहले सरप्राइज टेस्ट रख लिया जाए. चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी. अरे वाह, ओ मेरे बेटा, परफेक्टो. चलो आ जाओ, ज्वाइन कर लिया? यस सानवी जी, ओम जी, सबने ज्वाइन कर लिया. आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी. एसकेएल मेंटर्स और आने लेटर, कल का पहले मैं आपको कराऊंगी एक मेंटी क्विज, उसके बाद हम जाएंगे आगे बढ़ेंगे. यस, आज 21 डे चैलेंज कितने बच्चों ने फॉलो किया? वाणी द वॉइस पे आज मैंने 21 डे चैलेंज किया था, मेरे कितने बच्चों ने फॉलो किया 21 डे चैलेंज? बता दो मुझे, बता दो वाणी मैम को, कितने बच्चे हैं मेरे चुनु मुन्नु गैंगस्टर्स? मी 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 मी. मैं तो शाम को भी कुछ 21 डे चैलेंज करने की कोशिश की, उतने में मेरी बॉडी ने कहा बेटा वाणी बहुत एक्सरसाइज हो गई, राइट, सरदर्द शुरू हो गया. गुड इवनिंग, कल से मैं पढ़ाई का 21 डे चैलेंज भी शुरू कर रही हूँ. चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर दूं. क्या कमेंट किया था श्रेया बेटा आपने? menti.com 2558 9794, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन्स. फीमेल एस्कैरिस और मेल एस्कैरिस में क्या डिफरेंस है? कल बताया मैंने आपको. ये क्वेश्चंस कल हमने किए तो नहीं है? हैव वी डन द क्वेश्चंस? हाय स्नेहा, सेम तो नहीं है? किए हैं, ठीक है. चलो फिर आज पढ़ाना शुरू करती हूँ, ठीक है? ओके, किए है ना? मुझे लग रहा है ये सेम क्वेश्चन ओपन हो गए, वरना मैं आपके लिए 10 डिफरेंट क्वेश्चंस लाई थी, पर ये सेम ही शुरू हो गया है, ओपन हो गया. नेवर माइंड, तो फिर मैं आपको आर्थ्रोपोडा के भी करवा दूंगी आज. अमृत सर को बोला था आईफोन लाने के लिए, सर ने बोला पूरी दुनिया ले ला देंगे आईफोन का, क्या करेंगी मैम? आय हाय, आय हाय, देखते हैं अमृत लेकर के आता है. बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है ये अमृत, ठीक है? चलो आ जाओ. यस, ऐसा कहा था अमृत ने, देख लो घूम रहा है अमृत इधर उधर मजे से. अश्विनी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू. यस, बड़ा चालू है ये अमृत, और बहुत ही अच्छा, मतलब बच्चा लगने वाला मेरे मुंह से. बट इज लाइक वन ऑफ माई बेस्ट कलीग्स. आई थिंक वट आई रियली लाइक अबाउट अमृत सर, एंड आई थिंक यू शुड रियली टेल हिम, ही इज वेरी हैप्पी गो लकी, ही इज वेरी फ्री स्पिरिटेड, ही इज वेरी हेल्पफुल, ही इज वेरी काइंड, एंड ही इज वेरी जेनरस. यस, नो मारी श्रेया बात नहीं. येस, वॉट यू थिंक? आई थिंक आई रियली, मैं आर्थ्रोपोडा का मेंटी करा दूंगी. दैट समथिंग आई रियली एडमायर अबाउट अमृत, ही इज वेरी, ही इज लाइक अ परफेक्ट टीम मेट. So I really, really admire them. Done everybody? Let's get started with Arthropoda. तो कल मैंने आप फाइनली डक रहा है. How was the video of yesterday's class? It was nice. Let's move forward then, guys. Let's quickly move forward. If you have any problems, if there's anything that you want to ask me, if there's anything that you want to make sure that I do for you guys, you know where to go. This is my official account on Instagram also. It's called Vani Sooth for Vedanta. आप बस मुझे ऐसे story में tag कर दीजिए. देखो ऐसे बच्चे सारे story में tag कर देते हैं. दिख रहा है आपको? कुछ भी उनको पूछना होता है, कुछ बताना होता है.
वो मुझे ऐसे स्टोरी में टैग कर देते हैं. पंकज मिश्रा ने एक स्टोरी में टैग कर दिया, राइट? सो यू कैन जस्ट पुट इट डाउन इन स्टोरीज लाइक दिस एंड आई विल ऑब्वियसली बी एबल टू आंसर ऑल योर डाउट्स. 15 डेज की जो न्यू नोट्स की क्लासेस है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वो मैं आज करने वाली हूँ 9 o'clock. टुमारो आई विल डू ट्रिक्स टू लर्न ओजेनेसिस का एक शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को दूंगी. एनिमल किंगडम का एक कल आपका क्विज आ रहा है. कल आप बहुत बोल रहे थे ना मैम क्विज करा दो मैम क्विज करा दो, तो आपका एनिमल किंगडम का क्विज आ रहा है और कल शाम को वी विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द सैम्पल पेपर्स. इसी बात पे मेरे प्यारे द बेस्ट चुनुमुनु गैंगस्टर्स कर दीजिए बहुत ही सुंदर सा लाइक शेयर सब्सक्राइब. चलिए एवरीबडी आई होप यू लाइक्ड, आई होप यू शेयर, आई होप यू सब्सक्राइब. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, प्लीज मेक श्योर दैट यू शेयर एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग. हो जाएगा Everybody done? And guys, आपको पता होना चाहिए I'm giving you a 73% off with my coupon code that is BD Pro on your term 1. But बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, बात आगे चलती है. जो आपका नीट का प्रो सब्सक्रिप्शन है इस पे आपको वानी मैम की जो क्लासेस हैं स्पेसिफिक वानी मैम की क्लासेस वो 15 डे के ट्रायल पीरियड पर भी मिल सकती हैं. सिर्फ 15 डे का ट्रायल पीरियड, ओनली 15 डे का ट्रायल पीरियड. और इसके लिए आपको सिर्फ लाइक 1300 रुपीस खर्चने हैं. और इस 15 डे के साथ अगर आप वानी मैम का कोड यूज़ करोगे वीडी प्रो, आपको ना तो सिर्फ वानी मैम की क्लासेस मिलेंगी बट यू विल ऑल्सो गेट 15 डेज के साथ 15 डेज एब्सोल्यूटली फ्री. सो यू विल गेट 1 month का प्राइस इन जस्ट 15 डेज वेयर यू विल हैव पीसीबी क्लासेस इन इंग्लिश एंड हिंदी. यू विल हैव 20 hours ऑफ क्लासेस इन 1 week अलॉन्ग विद वानी मैम्स क्लासेस. You will get 14 plus books. You will get 20 tests across the year. You will be in a class with class teachers. These class teachers will be the ones who will be taking all your doubts. They are going to be super duper fabulous sessions. Right, everybody? Chaliye. So please don't miss this. It's offer just for next 1 week. 15 day price with my code. You get an off and you get my class as well. And obviously, what's the code, bro? It's VD Pro. अब ये बताओ, पहले आपको वीडियो दिखाऊं, पहले पूरा वीडियो देखकर समझना चाहते हो कि पहले लेक्चर देखना चाहते हो? आई थिंक पहले मैं आपको लेक्चर दिखाती हूं ताकि सब कुछ समझ में आ जाए और एंड में वीडियो दिखाऊंगी. डन? ये नंदिनी, डन? पहले लेक्चर दिखाती हूं, एंड में वी विल summarize it with the help of a video. Okay? Okay. How do you convince parents to take a drop? Iske upar I will take a very, very special lecture. Don't worry about it. Yes? Done? Can we move forward? Can we move forward? Yo, ma'am. Mere bachcha party is all ready. All ready, my children party? Perfect. चले मेरे बच्चों, मेंटी एट द एंड ऑफ द सेशन. पिन ड्रॉप साइलेंस इन माय क्लास. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, पिन ड्रॉप साइलेंस. चलिए, सो सबसे पहला वर्ड जो आपको यहां पर दिखना चाहिए, दैट वर्ड इज कॉल्ड टैगमेटाइजेशन. पुमावीर, कैन यू सी दैट वर्ड? प्रांजलि, कैन यू सी दैट वर्ड? न्यूरोलॉजिस्ट पूर्णवीर, प्रांजलि, कैन यू सी द वर्ड टैगमेटाइजेशन? आर्थ्रोपोड्स में उज्जवल कृष्णवेणी, यस? तो अभी आपने लास्ट वाले में देखा कि आपके बॉडी के जो सेगमेंट्स बन गए थे अर्थवर्म में, आपने देखा इन सेगमेंट्स के बनने को हमने एक वर्ड में डाल दिया. वी पुट इट एज अ वर्ड. आई एम श्योर ऑल माई स्टूडेंट्स वॉन्ट मी टू स्पीक इन इंग्लिश आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड इन टूडेज क्लास. राइट है यो, इट्स नॉट ब्लर माई डियर चाइल्ड, इट्स कॉल्ड एज मेटामोरिज्म. नाउ इन दिस मेटामोरिज्म, इफ आई मेक सेगमेंट्स, दैट मीन्स इफ आई कंबाइन, लेट अस से दीज एंड आई मेक इट अ हेड. Let us say if I combine this and I make it a thorax. Let us say I combine the rest of them and I make it like an abdomen or a tail. Is that clear, everybody? It's not blur, mere pyare bachcho. It's not at all blur. Let's say I combine all of this and I make it like a tail or something. Are you getting my point, everybody? Are you getting my point? Right? Anterior ko you can say, let us say we call it a head.
posterior को let us say we call it a trunk, oblique a tail. If I kind of combine them, I combine the anterior one, I group them together, I put them in under the word head. I combine the posterior one, I call them a trunk. This is referred to as stagmatization. This is referred to as stagmatization. So, although zation is Z-A-T-I-O-N, is that clear? Central cavity is the cavity prajyot, which is there from the mouth to the anus, right? So, metamerism was found in annelids. In annelids, they started to form groups of segments, and after groups of segments in arthropods, you started to have tagmatization. Understood, everybody? So, आपके जो भी मेटामर में रिपीट सेगमेंट्स थे, जो भी आपके मेटामर्स में, I'm going to repeat it again for everybody, in your metamerism, whichever were the segments, these segments we kind of formed groups out of it, and these groups, when we put them together with specific function, like the head will have sense organs, the trunk will have the anal part. This is referred to as stagmatization. Sakshi, Preetha, Sneha, Ayushi, Chitra, Krishnaveni. Anchal, main teen baar samjha chuki hu beta. Anchal, Kul, Shrestha, I've explained it 3 times. Done? So the segments of the metamers are combined together in groups. They are referred to as stagmatization. They have a very important skeleton which is present outside the body. Exo means outside the body. The skeleton which is present outside the body is made up of chitin. Raj Seb, is it clear? It's made up of chitin. Appendages are jointed. Appendages are jointed. Ye dekhi, they are jointed. ये अपेंडेजेस है, पैर है चलने के, ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा है, दे आर जॉइंटेड. सो अपेंडेजेस आर पेयर्ड, दैट मींस दे विल बी इन पेयर एंड दे विल हैव जॉइंट्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ बिकॉज दे हैव अ एक्सोस्केलेटन, आई विल ब्यूटिफुली एक्सप्लेन इट इन द वीडियो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास. अब इसका साइज इतना है, राइट, एंड इट हैज अ स्केलेटन ऑन द आउटसाइड. नाउ after some time the size increases, it becomes this much. So what it will do is it will shed the old skeleton. It obviously needs to shed the old skeleton. Shedding of the old skeleton is a process which is called as ecdysis. What is the process called? Obviously it will require the new size of skeleton. Is that clear? Whatever I'm writing down, Kaustab, are the type of questions which will come. Whatever I'm writing down, what is shedding of the skeleton called? Ecdysis. Right? Under which hormone does that happen? What is the name of hormone which causes ecdysis? Whatever I'm writing down are the type of questions which come. The hormone is called as ecdysone. What is the skeleton made up of? The skeleton is made up of chitin. The skeleton is outside, so it is called as exoskeleton. There is another way of mentioning ecdysis. It is also referred to as, can anybody tell me one more word for ecdysis? It is referred to as molting. I'm very, very proud of Gitanjali Saxena. It is referred to as molting. What is the another word for it? It is referred to as molting. There is a gland which is there, which releases ecdysone. That gland, very well done, Krishnaveni Sandupatala. It is called as corpora aleta. This is the gland which secretes ecdysone. So this is a very important slide. From here, questions will come. The shedding of the old skeleton is called as ecdysis. It is also called as molting. The hormone which does it is called ecdysone. The skeleton is made up of chitin. It is exoskeleton. Ecdysone is secreted by corpora aleta. Don't be late, Rajkumar. No worries. So growth is accompanied by ecdysis or molting. I told you in yesterday's class. I told you this. This is the third class. So did you understand? This is the slide number one which I have made by hand. This is the slide number two which I have made by hand. Very important slide. Is that clear, Janvi Saxena? Understood, my dear child? And this is
slide number 3, which I'm making by hand. Now, this is a very, very important slide. I told you this in yesterday's class also. This is a very important point which I'm writing down here. The lower the organism, it will have ventral nervous system. Is that clear? The higher the organism, it will have dorsal nervous system. The lower the organism, it will have dorsal circulatory system. Write it down. Yesterday also I told you. The higher the organism, example humans, will have a dorsal nervous system. I have written that down. They will have a ventral heart oblique circulatory system. I will let you know about it, Harshita. Let me do some research on it. Understood? So they also have a ventral nervous system. They have an open circulatory system. That means there are no blood vessels. Very, very, very important point. There are no blood vessels. They have hemocele. Blood vessel nahi hote, heart hota hai. Aur aas paas jo cavity hoti hai, iska naam hota hai hemocele. Kya naam hota hai? Hemocele. Is that clear? Hemocele. Right, everybody? They have a complete digestive tract. Metamorphosis hota hai, complete change kar dete, larval forms hote hai, metamorphosis, larva mein aur adult mein aapko difference nahi nazar aayega. Have you seen the caterpillar and a butterfly? Can you see ki caterpillar, you're most welcome Harshita my dear, let me do some research on eye power, I will come back to you. Have you seen caterpillar ko dekhkar aap keh sakte ye butterfly banega? Nahi keh sakte. That is called as metamorphosis. Ye completely ho jate hain. Immature aur adult stage mein competition bhi nahi hota aur stages alag alag hoti hain. Have you seen, I paid 15 to 20 minute attention to slide number 1. Ab chalte hain slide number 2 ke paas. ठीक है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मतलब जॉइंट, मेनी, पोडा मतलब फीट. सो आर्थ्रो का मतलब होता है आपका जॉइंट हो रहा है, पोडा का मतलब पोडियम, पोडा का मतलब होता है फीट, तो इसका मतलब ही है जॉइंटेड अपेंडिजेस, जॉइंटेड फीट. देयर आर मोर देन 1, 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh existing species. इसीलिए मैं आपको अगले साल पढ़ाऊंगी इसकी सबसे ज्यादा diversity पाई जाती है. They all have nothing but jointed appendages. हर जगह पाए जाते हैं, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां आर्थ्रोपोडा नहीं पाए जाते. That is what is called as cosmopolitan. जो हर जगह पाए जाए, found everywhere, cosmopolitan, found everywhere. Is that clear though? Is that clear though? The cosmopolitan. Write this word. Body के parts है head, thorax, abdomen. तो ये वाला part क्या होता है? जैसे मैंने बोला metamer को हमने group बना दिया. ये head है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है. हेड, लेट मी राइट विद रेड पेन. हेड, थोरैक्स, एचटीए, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन. गॉटचा? सरला, कृष्णवेणी, हर्षदीप, फ्यूज्ड मेटामेयर्स, हर्षदीप कौर, वेल डन. एंटीना आर द सेंस ऑर्गन्स व्हिच आर देयर इन सम स्पीशीज. द हेड एंड द थोरैक्स इज जॉइंट. सेफेलिक मीन्स head, thorax means thorax, so when the head and thorax is joined we call it cephalothorax. Cephalic means the head, so when the head and thorax is joined we call it cephalothorax. What do we call it? We call it cephalothorax. Understood everyone? Gotcha, gotcha means we've got it ma'am, we've got it, we've understood.
जॉइंटेड अपेंडेजेस से ही जुड़कर एंटीने बनते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस से ही माउथ पार्ट्स बनते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं. आर मॉडिफाइड टू फॉर्म एंटीने, आर मॉडिफाइड टू फॉर्म माउथ पार्ट्स, आर मॉडिफाइड टू फॉर्म रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. दे हैव अ वॉकिंग लेग, राइट? दे हैव दीज पेडिसल्स टू होल्ड द फूड, दे हैव एंटीने मॉलिक्यूल्स, दे हैव अ मैंडिबल, दे हैव अ मैक्सिला. आई विल, व्हेन आई टीच यू कॉकरोच, द माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हेन आई टीच यू कॉकरोच दैट्स द टाइम आई एम गोइंग टू डू माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच. Is that clear? I will not do it now. I will only do it when I teach you cockroach, because animal kingdom mein generic questions aate hain. See, this is something that you have to understand. When you talk about animal kingdom, you will have generic questions. If you have detailed questions, clitellum, segments of earthworm, wo sara aayega from your other chapter. So that's the time I'm going to teach you all of this. Is that clear, everyone? Is that clear? Yes? Awesome, the blossom. Okay. Why not teaching on boat, Kim? Because I'm traveling and my boat is not that light that I can travel everywhere with the boat. I think after 5 years, a foldable mobile ki tarah foldable boat technology will come. But right now, I cannot move around with the boat. Ya to mere paas aise 5-6 tractor hote. मेरे पास अभी तो ट्रैक्टर नहीं है. आयुषी बहुत जल्दी कराऊंगा. अगर तो मेरे पास 5-6 ट्रैक्टर होते. गेमर कह रहे टीच स्लोली. बेटा मैं 1 घंटे में एक फाइलम करवा रही हूँ. पिछले 15 दिन से आपको मैं एक एनिमल किंगडम चैप्टर करा रही हूँ. अब मुझे ये बता दो बेटा, अब मैं क्या ABCD सिखा के पढ़ा दूँ? बताओ बेटा. ठीक है, या तो मेरे पास 5-6 ट्रैक्टर होते बेटा. इतना अभी इतनी मैं ऐसे इतने करोड़पति तो मैं हूँ नहीं कि मैं 5-6 ट्रैक्टर लेके घूमूँ, एक पे बोर्ड, एक पे कंप्यूटर, पूरा स्टूडियो सेटअप ले लेके घूमूँ, है ना? या तो ऐसा हो, ऐसा सूटकेस में बोर्ड फोल्ड हो जाए, टक 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 टक, वो भी नहीं हूँ मैं. अभी मैं चिट्टी रोबो तो हूँ नहीं, फोल्डेबल बोर्ड ले लेके घूमूंगी. तो आई एम ट्रैवलिंग. यस, थैंक यू. सैवेज नहीं है यार, अभी नॉर्मल बात कर रही हूँ. या तो मेरे पास, मेरे को दे दो 5-6 ट्रैक्टर, जहां मैं जा रही हूँ पीछे पीछे ट्रैक्टर आ रहा है. या तो चिट्टी रोबो बना दो, दोनों में से कोई काम तो कर दो. यस, और जो बेटा स्लो बोल रहे हैं, बेटा अभी मैं इससे ज्यादा स्लो तो मैं क्या ही पढ़ाऊंगी बेटा. एक दिन में एक फाइलम करा रही हूँ. अमृतसर बोले वाली मैम के पास बहुत पैसा है, घूमने अमृतसर गए हैं. हाँ, एम्स्टरडैम, यहाँ का मेक्सिको, न्यूयॉर्क, पैसा वाणी मैम के पास ज्यादा आ गया है. अमृतसर को पता करना पड़ेगा अभी. थैंक्स सचिन. या सो दे आर अंडरगोइंग मोल्टिंग. यू सी, सी दिस इज द ओल्ड एक्सोस्केलेटन, ओल्ड एक्सोस्केलेटन. इज दैट क्लियर एवरीवन? टू ग्रो दे शेड देअर एक्सोस्केलेटन, अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एग्डाइसिस, विच हैपन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन कॉल्ड एक्डाइजोन. इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए, नाउ देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? बाय ट्यूब विद इन ट्यूब, दैट दे डू हैव अ माउथ एंड दे डू हैव अ एनस, राइट? दे हैव जॉज विच आर ऑन द साइड्स फॉर च्यूइंग और सकिंग द फूड. दे हैव अ क्रॉप विच इज फॉर टेम्पररी storage of the food. They have a gizzard which does the function of mixer grinder for grinding of the food. Please pay attention. They have gastric ceca which does the function like a liver of secreting digestive juices. So they have a gastric ceca which does the function of secreting gastric juices. Hepatic ceca. They have a stomach, and finally the undigested food is going to go out from the rectum. I repeat, they have a mouth. They have various types of mouth, but some of them are going to chew, some of them are going to suck, some of them are going to sponge like bees. No, not bees. Bees basically are going to, you know, sting and absorb the pollen. Sponging type is found in flies. So they have various kinds of mouth parts. Then you have crop for temporary storage. Then you have gizzard for grinding. Then you have gastric ceca, which does secretion of the digestive juices. Is that clear, everybody? They also have mandible and maxilla, but in humans, this is called mandible and this is called maxilla. In insects, it is reversed. This is called mandible and this is called maxilla.
Let's come to respiration. I have to show you a beautiful video, so let's move forward. Let me show respiration. Respiration is caused, done by different respiratory organs. So they have, inke agar aapne kabhi, how many of you have killed a cockroach? Write a you on the chat section, please. How many of you have killed a cockroach? Write a you on the chat section. I have. You know, aisa to kuch tiddi hota hai, tiddi, Hindi mein word suna aapne, tiddi. I will, Parmeshwar, do something for your physics also. तो आपको, आप जब भी आप कॉकरोच मारते हो, क्या आपको एक आवाज आती है? Yes? Is that clear? Yes? Is it? नहीं, no. व्हाइट ब्लड आता है, रेड नहीं होता है, एंड दैट काइंड ऑफ मसलने वाली आवाज आती है. नो, ओह माय गॉड, डोंट टेल मी दैट. राइट, दैट इज बिकॉज, जैसे ना, जैसे आपका, लेट्स से दिस इज द कॉकरोच, राइट, तो इसके साइड में ना यहां ये होल्स होते हैं, इनका नाम होता है स्पाइरिकल्स. सो एयर जो एंटर करती है, एयर जो एंटर करती है वो स्पाइरिकल से एंटर करती है. स्पाइरिकल्स के बाद एक नेटवर्क होता है, ऐसे ट्यूब्स का नेटवर्क होता है. इस ट्यूब के नेटवर्क को हम कहते हैं ट्रेकिया. So when you kill them, this is the one which causes the sound. और ये जो network होता है ऐसे tubes का, ये यहाँ पर air ले जाता है. इस ये बीच में cavity होती है. Somebody was asking in the beginning of the class, ma'am, cavity. इस cavity का नाम होता है hemocoel. Coelom का मतलब होता है cavity. Heme मतलब blood, पर blood red नहीं होता. इस cavity तक oxygen जाता है. सबसे पहले enter करता है spiracle. Spiracle के बाद trachea. ट्रेकिया के बाद हीमोसील, एंड हीमोसील से ऑक्सीजन गोज इनसाइड, कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउटसाइड. इज दैट क्लियर एवरीवन? ट्रेकियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है सेंटीपीड, मिलीपीड, पेरिपैटस व्हिच मींस कॉकरोच. क्रस्टेशियंस क्योंकि एक्वेटिक होते हैं, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स एक्वेटिक पानी में पाए जाते हैं, राइट, दैट इज व्हाई दे हैव गिल्स. Very, very important. Lobsters, prawns, crabs, right? And book lungs are found in scorpions and spiders. Very important. Again, scorpions or spiders mein kya hoga? Book lungs. This is a very important topic. Very important topic. Is that clear, everyone? So you have arthropoda. Aapke paas gills hai, crustaceans mein, crayfish mein. And can you see the spiracle? This opening is called spiracle. Please dhyan se dekhiye. And what is this network of tubes called? This is called trachea, tracheoles. This is the network of tubes which are found. Can you see how book ki tarah, book ke jaise pages hote hain, scorpion. Scorpion dikh raha hai, kitna beautiful diagram hai. Can you see book ke jaise pages hote hain, waise the, aur ye kyun hai, why these are there? Because this is going to increase the surface area. Can you see? Right? Guys, please don't ask me, ma'am, will we do mentee? Please. I'm teaching you. Please pay attention. Mentee karna hai, koi kitab kholo, ghar pe baith ke mentee kar lo yaar. Theek hai? And blood will flow between them. Ye aisa hai, iske beech mein blood flow karega. Blood. तो अगर ये आपके बुक लंग्स हैं ब्लू कलर के, एंड गाइस डोंट बी लेट फॉर द क्लासेस प्लीज, तो ये आपका ब्लड फ्लो करेगा बीच में, ठीक है. कल आपका टेस्ट है एनिमल किंगडम का, तो मेंटी का टेंशन मत लीजिए. सर्कुलेशन, इट इज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मींस देयर आर नो ब्लड वेसल्स, कोई भी ब्लड वेसल नहीं है. हार्ट इज डॉर्सल. ह्यूमन में हार्ट कहां होता है? ह्यूमन हायर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म. हार्ट कहां होता है? वेंट्रल, ओपन. तो ये स्पेस क्या है जिसके अंदर ब्लड आएगा? इस स्पेस का नाम क्या है? हीमोसील.
उसके अंदर जो फ्लूइड आता है दैट इज कॉल्ड द हीमोलिम्फ. ठीक है. क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, क्रस्टेशियंस के अंदर ब्लड के पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है. मैं देख रही थी आप लोग वहां मेंशन कर रहे थे, विच गिव्स इट द करेक्टरिस्टिक ब्लूइश कलर, ग्रीनिश ब्लूइश कलर. इट्स कॉल्ड हीमोसाइनिन, साइनिन बिकॉज ऑफ कॉपर. इंपॉर्टेंट, क्रस्टेशियंस में होता है, क्रस्टेशियंस. एंड द कैविटी विच इज देयर, बिकॉज ब्लड वेसल्स तो है नहीं, वो बीच की कैविटी है जिसमें ब्लड फिल होता है. मैंने आपको डायग्राम बनाकर भी दिखाई थी वो कैविटी. उस कैविटी का नाम क्या है? हीमोसील. हीमोसील. तो इनके पास क्या है? गिल्स. क्रस्टेशियंस के पास, जो लैंड वाले उनके पास क्या है? स्पाइरिकल्स. और स्कॉर्पियन और स्पाइडर्स के पास क्या है? बुक लंग्स. बुक lungs. And the cavity is called hemocoel. And obviously the crustaceans will have a pigment. The pigment is called as hemocyanin. Excretory system. They excrete out through the malpighian tubules. कई बच्चे अभी already लिख रहे थे green glands and antennary glands. So इनके excrete करने के लिए इनके पास होता है मैल्फीजियन ट्यूब्यूल. एमसीक्यू क्वेश्चन ये वर्ड आते हैं सिर्फ एनिमल किंगडम से, 3 या 4 क्वेश्चन आने हैं. डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जेनेरिक क्वेश्चंस आएंगे. प्लीज ध्यान दीजिए, ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनरी ग्लैंड्स. इज दैट क्लियर? तो जो ट्यूब है, ये आपको ट्यूब नजर आ रही है, ये ट्यूब्स राइट, ये है आपके ग्लैंड्स ट्यूब वाले. ये दिख रहा है आपको, ये ट्यूब्स ऐसे दिख रहे सारे बच्चों को राइट. तो ये क्या है? मैल्फीजियन ट्यूब्यूल. ये ट्यूब्स किसकी है? मैल्फीजियन ट्यूब्यूल. ये फिल्टर कर लेगी सॉल्ट, वेस्ट मटेरियल, सब कुछ फिल्टर कर लेगी और फिल्टर करके एक्सक्रीट कर देगी. यहां पे ये दिख रहा है आपको गैस्ट्रिक सीके, ये क्या होंगे आपके? मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स. मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स जो क्या करवाएंगे? एक्सक्रीशन. डोंट बी लेट फॉर द क्लास प्लीज गाइज, आपके लिए मैंने 7 PM रखा है. सो यू मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड्स एंड एंटीनरी ग्लैंड्स. हीमोलिम से वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करेंगे और बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट कर देंगे. दे गोना एब्जॉर्ब एंड दे गोना एक्सक्रीट दैट आउट राइट एवरीबडी. देखिए क्या क्या वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट कर रहे हैं, क्या क्या वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करेंगे. वॉटर, एक्स्ट्रा वॉटर को बाहर भेजेंगे, एक्स्ट्रा शुगर को बाहर भेजेंगे, एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड को बाहर भेजेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा सोडियम को बाहर भेजेंगे, एक्स्ट्रा पोटेशियम को बाहर भेजेंगे और एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को बाहर भेजेंगे. समझ आया? वॉटर, शुगर और अमाइनो एसिड पैसिवली जाएगा, एनर्जी खर्च नहीं होगी, पैसिव. डन. बुक गिल्स क्या होती है बेटा? बुक गिल्स नहीं है, बुक लंग्स हैं. ठीक है. सोडियम और पोटेशियम कैसे जाएगा? सोडियम पोटेशियम एक्टिव. यूरिक एसिड कैसे जाएगा? एक्टिव. दे आर गोइंग टू थ्रो देम आउट. क्या क्या बाहर भेजेंगे? वॉटर, ऑस्मो रेगुलेशन. फिर क्या भेजेंगे? शुगर. फिर क्या भेजेंगे? अमाइनो एसिड. फिर क्या भेजेंगे? पोटेशियम. फिर क्या भेजेंगे? सोडियम. फिर क्या भेजेंगे? यूरिक एसिड. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? और एक्टिव पैसिव भी मैंने आपको बता दिया है. ग्रीन ग्लैंड्स आर फाउंड इन क्रस्टेशियंस फॉर एक्सक्रीशन. क्रेफिशेस, क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स फॉर एक्सक्रीशन. व्हाट डू दे हैव? ग्रीन ग्लैंड्स. कभी भी आज तक ग्रीन ग्लैंड के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया. दैट इज ऑल व्हाट इज गोइंग टू कम. दिस गोइंग टू बी नो क्वेश्चन. ग्रीन ग्लैंड इज मेड अप ऑफ व्हाट? सुपरफिशियल क्वेश्चंस कम फ्रॉम एनिमल किंगडम. अब आ जाइए अब नर्वस सिस्टम में. इनके पास कंपाउंड आई होती है. ह्यूमन आई सिंपल होती है, हमें क्लियर इमेज नजर आती है. इनको क्लियर इमेज, दे कैन नॉट सी क्लियरली बट दे कैन सी मल्टीपल स्मॉल 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 इमेजेस, बट दे आर वेरी सेंसिटिव. एनी मूवमेंट यू सी द कॉकरोच रन्स अवे, एनी मूवमेंट द बटरफ्लाई विल फ्लाई अवे, एनी मूवमेंट द फ्लाई विल फ्लाई अवे. दे हैव मल्टीपल लेंस वाली कंपाउंड आईज. ईच लेंस इज कॉल्ड अ ओमैटिडिया. Their nervous system is ventral. Our nervous system is dorsal. So double ventral nervous system. Our nervous system is dorsal. Our heart is ventral. They have ganglion group of nerves. They have simple eyes, compound eyes, and most importantly, they have antennae which have got sensory structure. The only question which comes here is how? What is the nervous system? It is a double ventral nervous system. In the double ventral nervous system, which side is it? Is it on the ventral side? What do they have for sense organs? They obviously have antennae. Most importantly, they have compound eyes. How do they reproduce? They reproduce indirectly by the formation of larval stages. So this is a caterpillar, it's going to pupa and which is finally going to form a butterfly, right?
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल फीमेल डिफरेंट नजर आएंगे. आप कॉकरोचेस की बात करेंगे तो आपको एब्डोमेन में नजर आएगा डिफरेंस, मेल फीमेल बटरफ्लाइज में भी डिफरेंस होता है. एंड पार्थिनोजेनेसिस, दैट मींस विदाउट फर्टिलाइजेशन. बट सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक कल्मिनेशन में वीडियो, ये वीडियो देखकर सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा. सो वन सेकेंड, वीडियो देखने का टाइम आ चुके हैं. Let's see the video. One second. Okay. Here we go. Highly adaptable limbs and bodies. They ruled the ancient sea, and they were the first creatures to venture onto land. They invaded every realm of the planet, equipped by nature to survive almost any challenge. They're called arthropods. And one of the secrets of their success, jointed legs. Legs which can bend about a hinged joint provide great stability and shock absorption. Perfect features for an all-terrain vehicle. With their many joints, each leg has tremendous flexibility. Tendons attached to powerful muscles produce a range of motion. To help guide them through their world, arthropods developed a package of onboard sensors, appendages like antennas, and the first complex eyes capable of perceiving sharp images. But most importantly, their legs and body segments could easily adapt to almost any new opportunity. A small evolutionary push turns a walking leg into a grasping claw. Take the segmented swimming tail of the lobster, tuck it underneath, and you've got a sand-burrowing crab. The basic arthropod body plan, with segments and legs, packs an incredible potential to adapt and evolve. As a result, there are more arthropods in the world's oceans than any other group. And each species is a variation on the same arthropod theme. Their seemingly countless appendages were deployed in many revolutionary ways. The arthropod's dominance of the sea was greatly aided by one of the most important aspects of their body plan, their skeleton. An arthropod wears its skeleton outside its body. This hard shell serves not only as support, but as body armor, shielding its soft inner organs from harm. There are times, however, when an arthropod must leave its armor behind. In order to grow, it undergoes one of the most amazing transformations in the animal kingdom. First, the mounting pressures of its growing body crack open its exoskeleton.
Beneath the shell, a soft new skeleton has been developing. In less than 30 minutes of struggling and squirming, this crab breaks free of its old skeleton, a process called molting. It emerges with an entirely new covering, from legs to body to eyes. Its soft new skeleton will inflate quickly to a larger shell and harden during the next 2 days. For the soft shell crab, a prized meal of many predators and humans, it's a dangerous 2 days. Yet when the shell hardens, their appendages strengthen, and uniquely sophisticated tools for exploiting every opportunity are ready for action. They are highly versatile and vigorous eaters. While their claws tear into a dead fish, their mouth appendages whirl in a flurry of activity. Some help with eating, some with breathing, as they sweep water across the gills. Arthropods arose and thrived in an ancient era when life was diversifying explosively. And they succeeded across time in an arms race of size and strength. What enables them to thrive in places where we are hard-pressed to survive unaided? In a land of permanent winter, they flourish beneath thrashing floes of Arctic ice, and the cold sea provides a rich bounty as a result of their presence. In one of the Earth's most extreme environments, along the ocean's deep trenches, crabs prosper amidst toxic hydrothermal vents. Beneath its helmet-like shell, the horseshoe crab is hardly ferocious. But one aspect of its behavior today may explain why marine creatures first stepped out of the sea long ago. Horseshoe crabs find their mates in the water, but then they journey to the edge of the ocean. These living fossils leave the sea briefly, like a landing army, to lay their eggs beyond the water on a beach. Protected from the harsh environment by moist sand, their sealed eggs actually develop on land. Unable to extract oxygen from air, this line of arthropods was consigned to a life beneath the waves. But other arthropods would not be stopped. Those that left the sea could invent a whole toolkit with which to conquer the land. Tasting. Sensing. Grasping. And finally, winging their way to dominance. The long saga of arthropods is one of the great stories of life on Earth. Nearly half a billion years ago, they came to dominate the world's oceans, and they were the first of all creatures to climb onto land.
Perfecto. So I hope you understood and you enjoyed the lecture. Wasn't that like, I think after every class when we do it towards the end, it really gives a very good ending to the class, right? Obviously, after the chapter is over, I will do a lot of mind maps also with you. Don't you worry. Today, we don't have quizzes on this chapter because tomorrow is only a quiz day. So let me show you what it is. Aapne dekha bhi hoga. Kal hum sirf quizzes karne wale. Can you see this Animal Kingdom quiz? कल आपका सिर्फ क्विज है तो प्लीज डोंट वरी अबाउट इट. आपके फर्स्ट पॉरीफेरा से लेकर आर्थ्रोपोडा तक टुमारो आई विल डू 40 क्वेश्चंस विद यू. इज दैट क्लियर? डन. सो डोंट यू वरी. बट बेटा प्लीज गो बिलो दिस लेक्चर. आपको पता है गो बिलो दिस लेक्चर. आप नीट के 2 इयर्स का कोर्स ले लीजिए. उसके साथ आपका टर्म 1 फ्री है. जस्ट गेट इट फॉर 15 डेज. यू विल हैव 15 डेज फ्री ट्रायल विद माई कोर्स. सो वीडी प्रो कोड लगाइए. इन दिस मच जस्ट 1500 रुपीज आप 30 डेज पढ़ सकते हैं, विच इज लाइक 50 रुपीज पर डे. 50 रुपये ओनली. ऑल 3 सब्जेक्ट्स. डोंट मिस इट. अप्लाई माई कोड एंड कम फॉर द क्लास. एंड सी यू टुमारो. सेम टाइम सेम प्लेस 7 PM. बाय किड्स. बाय बाय किड्स. डोंट मिस द लेक्चर. यस बाय.